Hello, Dr. Sinpanis. A very good morning to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Animation Brea. As you already know, आपके नीट पीजी 2024 की रिजल्ट पब्लिश की जा चुकी है. जी हाँ, कल के डेट पे ऑलरेडी आपके रिजल्ट पब्लिश की जा चुकी है. अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग दैट, तो वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आपके रिजल्ट में एक चेंज हुआ है. चेंज की अगर मैं पहले आपसे डिस्कशन करूँ, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया हुआ था. चेंज की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था कि जब आपकी पीडीएफ पब्लिश की जाती थी एनबीए की तरफ से, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, आपके स्कोर और आपकी ऑल इंडिया रैंक, ये चार चीजें आती थी. इस सेशन में क्या किया गया है कि आपका नीट पीजी 2024 की एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर है, बट स्कोर की जगह आपकी परसेंटाइल मेंशन की गई है और आपका ऑल इंडिया रैंक है. परसेंटाइल मेंशन होने की वजह से आपका रॉ स्कोर आपको नहीं आईडिया है. इसके लिए ऑलरेडी एनबी ने मेंशन किया हुआ है कि 30 अगस्त को वो आपका स्कोर कार्ड पब्लिश करेंगे, जिसको आप अपने एप्लीकेशन आईडी की जो आईडी पासवर्ड आपने मेड की हुई थी उससे आप डाउनलोड कर सकते हो. जब आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करोगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आपका रॉ स्कोर क्या होता है. अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वहां पे ऑलरेडी आपके स्कोर कार्ड में जो आपका स्कोर होगा वो पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे, बट मान के चलो हर सेशन में ऐसी चीजें होती आई हैं, तो रॉ स्कोर आपको जरूर बताया जाएगा. सो नॉट टू वरी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मल्टीपल कॉल्स एज वेल एज मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं. इसमें कैंडिडेट्स का ये कहना है कि उनके जो रिकॉल थे और जो उनके रैंक बन रहे थे, दे आर टोटली डिफरेंट कंपेयर्ड विद द रिजल्ट. मतलब कि रिकॉल में उनके 160+, 170+, 150+ क्वेश्चन सही हो रहे थे, एंड वेन इट कम्स टू द परसेंटाइल या जब उनका स्कोर आया है तो दे गॉट समवेयर अराउंड 70%, 80%, विच इज नॉट जस्टिस एज पर देम. इवन जो उन्होंने रिकॉल किया था उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा वेट करो अपने स्कोर कार्ड का. जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाता है देन आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ. यहाँ पे रीएवेलुएशन की ऑप्शन नहीं होते हैं. रीएवेलुएट आप क्वेश्चंस, जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको नहीं करा सकते हो. इसके लिए अगर एनबी ऑप्शन लेके आती तो लेट्स सी क्या होता है, आंसर की ऑलरेडी रिलीज नहीं किया जाता है. वो सारे कैंडिडेट्स जिनके 50%+ है जनरल के अंदर या 50% भी है, सिर्फ 50.00 समथिंग भी है, तब आप नीट पीजी 2024 में काउंसलिंग करने के लिए राउंड वन से एलिजिबल हो जनरल के लिए. कंप्लीटली सेम एज आपका 40%+ अगर हो आप कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हो. अगर आपका 39.9 समथिंग भी है तब भी आप कैटेगरी में नॉन एलिजिबल हो फॉर द राउंड वन. जनरल में सिमिलरली 49.999 कुछ भी है आपका एक्स वाई जेड, अगर 50 नहीं है तो आप राउंड वन में एलिजिबल नहीं हो. बट घबराने की जरूरत नहीं है. उन सारे कैंडिडेट्स को पहले आप बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस हु गॉट एलिजिबिलिटी. यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द नीट पीजी 2024 फॉर डूइंग योर काउंसलिंग. यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जिनको अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं आई है, नो नीड टू वरी एट ऑल. रिवाइज कट ऑफ विल बी देयर. रिवाइज कट ऑफ में 0% होगा नहीं होगा इस पे ऑलरेडी हम अपने लाइव Q&A कर रहे हैं. एवरी डे एट 9:30 PM आपका हमारा लाइव Q&A रहेगा. आपके जो भी क्वेश्चन है आप वहां पे लाके हमसे पुट अप कर सकते हो. वी विल बी एंसरिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग. चीजें भी हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं. कल का ऑलरेडी हमने Q&A किया हुआ है, आज भी हम करेंगे. एवरी डे वी विल बी हैविंग अ Q&A एट 9:30 PM इन द इवनिंग. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. यहाँ पे मैं बता दूं, रिवाइज कट ऑफ आपका राउंड वन के लिए नहीं आता है, ना ही स्टेट राउंड वन के लिए आता है. लास्ट ईयर भी अगर आप चेक करोगे तो स्टेट राउंड टू और ऑल इंडिया राउंड टू कंप्लीट होने के बाद आया था. मतलब कि ऑल इंडिया राउंड टू कंप्लीट हो गया था, फिर स्टेट राउंड टू जब आपका बिगिन होने वाला था एट दैट मोमेंट दे हैव पब्लिश्ड द रिवाइज कट ऑफ. इस सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा अगले वीडियो में देखेंगे. लाइव Q&A अगर आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. बाकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा. ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक है, ज्वाइन करके रखें. लाइव Q&A में ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर मैं बात करूं पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के लिए तो स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है. अगर आप देख रहे हो सीटें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो किस ब्रांच में आपको क्या बजट में सीटें मिल सकती हैं, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं. इन तमाम चीजों की डिटेल हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं Q&A में भी. साथ ही में अगर आप पेड एंड प्रीमियम देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें. लिमिटेड स्लॉट्स हैं. स्लॉट्स ऑलरेडी आपका 40%+ कल के डेट पे ही फिलअप हो चुका है. तो लेट ना करें. इवन जो रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं वो भी अभी से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं अपना,
तमाम प्रोसेस के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन केस अगर आपके कॉल नहीं रिसीव हो रहे तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके रखिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज टीम्स आर वेरी मच इन टाइम, आई मीन टीम्स आर लिमिटेड, बट इतने रिस्पॉन्स है, इतने क्वेश्चन है, इतनी क्वेरीज है, सबको रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट इट डजेंट मीन कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, 1000% आपको भी रिप्लाई मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पेड एंड प्रीमियम का कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।